दर्शकों नमस्कार, मैं अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए चमन शर्मा। होली को लेकर के इस बार भी बड़ी ही असमंजस है कि आखिर होलिका दहन कब होगा और कब खेली जाएगी होली। तो इसी असमंजस को दूर करने के लिए आज हमारे बीच में हैं अलीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी। तो उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर होलिका दहन कब का है और कब होली खेली जाएगी। तो आपका स्वागत है amarujala.com में। नमस्कार जी। तो पंडित जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो इस बार असमंजस है होलिका दहन को लेकर के, तो जैसे कि आज 6 मार्च है, तो 6, 7, 8 देखो मैं आपको बता दूं, को लेकर के लोगों में असमंजस है कि आखिर होलिका दहन कब है और कब होली खेली जाएगी। देखो मैं आपको बता दूं, आज 6 मार्च दिन सोमवार जी, आज चतुर्दशी तिथि 4:17 ख़त्म हो रही है जी, जी जी। उसके साथ ही भद्रा लग जाएगी। अच्छा। जो भद्रा 7 मार्च दिन मंगलवार पूर्णिमा तिथि सुबह 5:15 ख़त्म हो जाएगी। कायदे से प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में होलिका दहन करना सार्थसम्मत बताया गया है। तो यानी कि 7 मार्च को ही कायदे से होलिका दहन किया जाना शास्त्रोक्त उत्तम है। उदया तिथि के हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो 7 मार्च ही होलिका दहन का उत्तम दिन माना जाएगा। 8 तारीख को पड़वा है, जिसे रंग वाली धूल वाली होली हम लोग कहते हैं जी जी। आपने देखा होगा उसी दिन होली खेलने का पूरे भारतवर्ष में विधान है जी। होलिका दहन आज साय 4:17 से सुबह 5:15 तक जब भद्रा रहेगी, तो आप जानते हैं भद्रा में तो होलिका कभी होती नहीं है। सही बात। भद्रा में रक्षाबंधन और होलिका दहन दोनों निषेध माने जाती जी जी। तो किसी भी तरह से आज साय होली नहीं जल सकती है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि साहब भद्रा खत्म होने के बाद में हम जो है होलिका जला सकते हैं, तो भद्रा भाई 7 तारीख को सुबह 5:15 खत्म होगी। 7 मार्च को तो 7 मार्च को ही आप लोगों को होलिका दहन करना उत्तम माना जाएगा। कायदे से सभी परिजनों को जो भारतवर्ष में होलिका दहन करते हैं, चाहे वो गली की होली हो, मोहल्ले की होली हो, चाहे घर वाली होली हो, जी जी। आप उसी दिन जलाएं वही उत्तम है, किसी के बहकावे में आके अपने त्यौहार को गलत ना करें। अच्छा पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि 7 मार्च को होलिका दहन है, तो होलिका दहन का कुछ जो मतलब जो समय है, कोई जो शुभ माना जाता है, तो वो क्या है? देखो कायदे से मैं आपको बता दूं, होलिका दहन आदिकाल से प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में होता है। प्रदोष काल सूर्योदय से 1.5 घंटा आगे पीछे का होता है, आप जानते हैं। तो कायदे से होलिका दहन का जो शुभ समय है, घरों वाली होली को जलाने का शुभ समय शाम को 6:24 से शुरू होगा, जो रात्रि 8:51 तक रहेगा, जिसमें आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चौराहों की होलियों को भी पुलिस वाले या गली मोहल्लों के बच्चे जो होते हैं वो रात को ही जला देते हैं। अधिकांश होली हिंदुस्तान में सूर्योदय से पहले जलाई जाती है। अच्छा। दूसरा मुहूर्त जो इसका शुरू होगा वो शुरू होगा 5:15 से लेकर 6:45 सुबह तक। 5:15 से 7 तारीख और 8 तारीख की सुबह, 7 की रात और 8 की सुबह AM में जी जी, वो घरों वाली होली को और गली मोहल्ले की होलियों को जलाने का शुभ समय होगा। उसमें घर की माताएं बहने बच्चे इत्यादि गेहूं की जो कि बालियां भूनती हैं जी जी, उन्हें जो चौराहे वगैरह की होली होती है उससे राख लेके आते हैं। तुमने देखा होगा सुबह के टाइम में होलिका की स्थापना करी जाती है हम लोगों के घरों में और चौराहे मोहल्ले पे। उसी दिन हनुमान जी की पूजा दिनों में होती है हम लोगों के यहाँ। हनुमान जी की पूजा करने के बाद में जो है होलिका पूजन होता है, घरों की माताएं बहनें वगैरह जो है होलिका पूजन करने के लिए जाती हैं। सुबह के होन में जो है वहाँ से जब होलिका दहन होता है वहाँ से राख लेके आती हैं, अग्नि लेके आती हैं अपने घरों में, जिससे होलिका दहन किया जाता है। उसके बाद में जौवालियाँ भूनती हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी परंपरा है, जैसे आप कहेंगे कि उसमें होलिका मिलन मिलन समारोह होती हैं। आपने देखा होगा जातिवाद और सभी चीज़ों को भूल के इस त्यौहार पे हम सब लोग एक दूसरे को गले मिलती हैं, दूसरों के यहाँ जाती हैं। तुमने देखा होगा नाना प्रकार के पकवान और इत्यादि बने हुए होती हैं, उन्हें लोग खाते हैं, बड़ा मान सम्मान देते हैं। यही हिंदुस्तान में एक ऐसा त्यौहार है जिसमें किसी भी प्रकार की जात भाव या भेदभाव को भूल के, छोटे बड़े को भूल के, आदमी चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, आपने देखा बड़े बुजुर्गों के पैर छू के आशीर्वाद भी लिया जाता है। माताएं बहने हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, मामा हैं, इन लोगों से आशीर्वाद लिया जाता है और इसे हंसी खुशी मनाने का परंपरा आज तक चली आ रही है। अच्छा पंडित जी ने ये तो बता दिया आपको कि 7 तारीख को जो है होलिका दहन का जो शुभ समय है वह है,
और 8 तारीख को जो होली खेलने वाली है वह है। पंडित जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि होलिका दहन के समय ऐसा क्या करना चाहिए जो कि अपने परिवार में जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनमें थोड़ा सा कमी आ सके। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, होलिका त्यौहार जो है वो उस समय पे पड़ता है जब दो तरह का मौसम बदलना होता है, गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी का भाव होता है। इस समय रोग दोष पनपती हैं काफी। तो आदिकाल से ये पुराने हमारे ऋषि मुनियों ने परंपरा डाली थी कि होलिका दहन के समय में सामग्री कपूर, लौंग, इलायची इत्यादि वगैरह उसमें डाली जाती है, जिससे तमाम प्रकार के रोग दोष जो होते हैं उनकी व्याधियां नाश हो जाती हैं। तो हर व्यक्ति को अपने घर में कपूर, लौंग और सामग्री वगैरह डाल के होलिका जलानी चाहिए, जिससे वातावरण में सुगंधी पैदा होगी, किसी भी प्रकार के रोग दोष या वायरस, हम लोग जैसे कहते हैं आजकल तुमने देखा होगा सर्दी जुकाम खांसी का वायरस हिंदुस्तान में जोर कर रहा है, तो ये इसका नाश होगा गारंटी से। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप 7 गोमती चक्र लेके अपने ऊपर से उतार के उसे 7 बार होलिका में डाल सकती हैं, जिससे किसी भी प्रकार का टोना टोटका नजर गुजर हो वो खत्म हो सकती है। आप होलिका में कच्चे आम की लकड़ियां हैं, सामग्री है, संवेदा है, गुड़ है, कपूर है, कच्ची इलायची है, हरी वाली जिसे इलायची कहते हैं, छोटी इलायची, वो लेके इसमें डाल सकती हैं, जिससे सुगंधित वातावरण होने के साथ साथ आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पैसे का टोटा हो, आपका काम ना चल पा रहा हो, ये सारी चीज़ें उससे चल सकती हैं। तो दर्शकों, आपने जाना और ये क्लियर हो गया है कि ज्योतिष के अनुसार जो 7 मार्च है उसको होलिका दहन का वह शुभ समय होगा, और जो 8 मार्च है यानी कि उसके अगले दिन, वो पूरा दिन जो होगा वो होली खेलने का होगा, यानी कि रंग वाली जो होली होगी वो होगी। तो खेलिए होली, शुभकामनाएं आपके लिए, होली मुबारक हो। नमस्ते। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।